नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट, और आज की जो क्लास है बीकॉम थर्ड ईयर के लिए कॉर्पोरेट अकाउंट की क्लास चल रही है केजी पब्लिकेशन से। अगर आपने अब तक बुक नहीं खरीदी तो खरीद लीजिए केजी पब्लिकेशन की, ठीक है। तो कल वाली क्लास आपने जो वीडियो देखी उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में बताया गया था, उसके रूल्स लिखवाए गए थे। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप चेक कर लीजिए रिसेंट वीडियो को या प्लेलिस्ट को, उसमें मिल जाएगी आपको वीडियो। तो आज मैं पहला क्वेश्चन कराऊंगा, फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन में, और मेरा जो मोटिव रहेगा ये बड़े बड़े क्वेश्चन मैं करा दूंगा। तो आप उस हिसाब से आप छोटे छोटे जो एमसीक्यू आने वाले हैं, किसी के पेपर में अगर एमसीक्यू आ रहे हैं तो वो भी वो कर सकता है। अदरवाइज़ किसी के फुल क्वेश्चन भी आते हैं कि किसी और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है कोई, तो उसके अगर फुल क्वेश्चन आते हैं तो वो फुल भी हो जाएंगे, एमसीक्यू भी कर सकता है वो, ठीक है। तो कोशिश मेरी ये रहेगी, और ये आपको खुद से करने हैं क्वेश्चन एमसीक्यू वाले। तो पहले इसे सीखते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये कल हमने फॉर्मूला समझाया था आपको, है ना तुल, तो याद हो गया वो तुम्हें, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको शायद, और रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव क्लासेस नहीं चलेंगी रिकॉर्डेड, क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा थोड़ा यहाँ पे, इसलिए, क्योंकि क्वालिटी जब कमज़ोर आती है तो कमेंट में लिखते हैं क्वालिटी साफ नहीं आ रही, इसलिए। और एक और बोलना चाहूँगा बात, तो मेंबरशिप आप मत लें, क्योंकि मेंबरशिप अभी सारी फ्री वीडियो चल रही है। मेंबरशिप अगर लेना है तो सपोर्ट करने के लिए लेना, कि रेगुलर वीडियो बनती रहे। ये नहीं कि आपको ये क्वेश्चन पूछना ये है मैं इसलिए मेंबरशिप ली थी, आप सपोर्ट करने के लिए ले सकते हैं। बाकी क्वेश्चन की वीडियो फ्री रहेंगी, आप आराम से देखिए, लेकिन कंटिन्यू अगर वीडियो चाहिए और बनती रहे इसलिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं, टॉप सपोर्टर बन सकते हैं, बस यही सोच के। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, ये लिखा है, अ बिजनेस इज बींग कैरिड ऑन सक्सेसफुली फॉर द लास्ट 10 ईयर। एक बिजनेस है जो पिछले 10 साल से बहुत अच्छे से चल रहा है, बढ़िया तरीके से। रोहन एंड कंपनी डिसाइडेड टू परचेज इट। रोहन एंड कंपनी क्या चाह रही है, उस बिजनेस को खरीदना चाह रही है, और इट परचेस इट फॉर कितने रुपए में, 80,000 रुपये में। तो एक कंपनी 80,000 रुपये में खरीदना चाह रही है, तो हमें भी चेक करना पड़ेगा कि बिजनेस की गुडविल है कितनी, कितना उसे हमें मार्जिन मिल के चल रहा है। फिर आगे लिखा, इट्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर, यानी जो कंपनी है, जो बिजनेस चल रहा है, उसका 5 साल का प्रॉफिट क्या था। फर्स्ट ईयर का था 12,000, सेकेंड ईयर का था 10,000, थर्ड ईयर का 11,000, फोर्थ ईयर का 13,000, फिफ्थ ईयर का 12,000, ये हमें दे रखा है। फिर आगे आगे बोला है, द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट ऑफ द बिजनेस इज लुक्ड आफ्टर बाय द प्रोपराइटर हिमसेल्फ। जो मैनेजमेंट का काम है वो प्रोपराइटर यानी कि बिजनेस का मालिक खुद ही संभालता था, ठीक है, लेकिन ही हैज़ नॉट टेकन एनी रेमुनरेशन फॉर हिज वर्क। अब मान लो जो पुराना ऑनर था वो तो खुद ही संभाल रहा है, ना तो उसके लिए कोई पैसे चार्ज करता है, लेकिन जो बिजनेस खरीदेगा उसको तो वह पैसे देना पड़ेगा ना, उसका तो खर्चा बन जाएगा, ठीक है। तो कोई रेमुनरेशन चार्ज नहीं करता था, नाइदर एनी रिकॉर्ड हैज़ बीन मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रिगार्डिंग इट। मतलब ना ही उसने ऐसा कोई रिकॉर्ड किया कि मेरी इतने रुपए सैलरी बनती थी और मुझे इतना मिलना चाहिए, नहीं। हाउएवर 1,000 पर मंथ इज कंसीडर्ड हिज रीजनेबल रेमुनरेशन। तो हम मानते हैं अगर मुझे कोई नया अकाउंटेंट रखना भी पड़ा तो उसे कितने रुपये देना पड़ेगा, 1,000 रुपये का खर्चा उन्होंने माना पर मंथ, पर एनम का, कितना माना एनुअली खर्चा, पर एनम का खर्चा मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, तो बहुत कम है बहुत कम है, ये सिर्फ अजम्पशन है, उसके साथ क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो तो 1,000 रुपये के अंदर कोई कहाँ से मिलेगा साल भर का अकाउंटेंट, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिकली है, मैं ये अजम्पशन दे रखा है, प्रैक्टिकली मत सोचो, बस हमें कुछ वैल्यू दे रही है उन्हें सॉल्व करना है। तो ये रेमुनरेशन का हो गया, हर साल का खर्चा ये हमारा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ़ इट इज़ वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट के आधार पर हम देखें तो 3 टाइम्स ऑफ परचेज में दे रखा है, 3 ईयर परचेज, उसके अकॉर्डिंग गुडविल की वैल्यू क्या होगी बताना है। तो कुछ प्रॉफिट है और सॉल्व करना है, सॉल्व करके दिखाना है। तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, नहीं हो तो अपनी बुक में एक बार चेक कर लें, और मैं वीडियो में कहीं ना कहीं फोटो भी लगा दूंगा क्वेश्चन की, ठीक है। तो क्वेश्चन को भी दो जरा अपनी, तो सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, इधर लिखेंगे ईयर, इधर लिखेंगे प्रॉफिट, दिख रहा है, ठीक है। तो ईयर हमारे फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, 5 साल दे रखें। पहले साल का कितना था प्रॉफिट, 12,000,
सेकेंड ईयर का कितना है? 10,000। थर्ड ईयर कितना है? 11,000। और फोर्थ ईयर का कितना है? 13,000। फिफ्थ ईयर का कितना है? 12,000। अब इनको प्लस करना है और बताना है टोटल प्रॉफिट कितना होगा। अतल करो जरा, पूरा था उसे निकालो। तो 12, 10, 22 और ये 13 कितना होते हैं? 25, 25, 35, 35 और 35 में तुमने कितना जोड़े हैं? 57 नहीं होंगे यार, 35, 47, 47 और 48, 58,000 कुछ बैठेगा। देखो जरा, 12,000 प्लस 10,000 प्लस 11,000 कैंसिल किया, 12,000 प्लस 10,000। तो इसका टोटल जो हुआ वो कितना है? 58,000 आ गया, टोटल प्रॉफिट हो गया। अब हमें निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है? क्या फॉर्मूला होता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज, प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ परचेज, नहीं यार नंबर ऑफ ईयर्स है बस, परचेज गलत बोल दिया, नंबर ऑफ, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो अब ये देखो, टोटल प्रॉफिट था 58,000 अपॉन 5 से डिवाइड किया, 10,600 करीबन आएगा। देखो जरा डिवाइड, हाँ ये 11,600 आएगा, 11,600 हाँ 11,600 आ गया। अब जो हमारा हर साल का खर्चा था वो तो ये तो हर साल में से माइनस कर देते हैं या फिर एक बार माइनस होता एनुअल रेमुनरेशन के नाम से, वो उसका नाम पर पूरे साल का है ना। हाँ तो ये साल भर के हिसाब से ना, हाँ 1,000 रुपये माइनस कर दो 10,000, तो 10,600 आ गया। ये आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। अब क्या करना होगा, कितना दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है, अब हमें गुडविल का फॉर्मूला लगाना है। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, परचेज या परचेज ईयर है ना, एक ही परचेज ईयर, ये मैं तो टाइम्स में दी होती है, ईयर्स में दिए होते हैं, ठीक है? तो एवरेज प्रॉफिट तो हमारा 10,600 आ गया इनटू ये 3 रखा था कितना, हाँ 3 ईयर परचेज रखा था, 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, इनटू 3 गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, और फिर हमने एवरेज प्रॉफिट तो ये था वो लिख दिया, 3 ईयर परचेज थे वो हमने मल्टीप्लाई में ले लिया और फिर आंसर आ गया। तो ठीक है दोस्तों, आप ये नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं। वैसे आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया था, मैं डायरेक्ट चाहूँ तो डायरेक्ट से डाल दूंगा, वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तक आप इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, कॉलेज के दोस्तों में, है ना, और बताओ कि फ्री में पढ़ाई हो रही है और जो मेरे पास पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, तभी ये बन पाएगा। बाकी जैसे मेंबरशिप लेना है तो इस इच्छा से ना लें कि हमें अगला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो हमें पूछना है, ये बताना है। मैं तो वीडियो में सारे क्वेश्चन मोस्टली कराऊंगा, बस ये वीडियो लगातार बनती रहे इसके लिए, सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप ले सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, बाय बाय।